अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन राम्स किचन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है कंडेंस्ड मिल्क, और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन आपको हर स्टेप को अच्छे तरीके से देखना है और उसको फॉलो करना है। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया 1 कप पूरा भर के मिल्क पाउडर, किसी भी कंपनी किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। और आप एक चीज़ और देखें कि जितना मैंने यहाँ पे शुगर ली है उतनी ही मिकदार में मैंने मिल्क लिया है, ठीक है। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। मेजरिंग कप्स आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मेजरिंग कप को मेजर करके इंग्रेडिएंट्स लिया करें, ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, और आप ये एक बार खरीद लें और फिर जो भी केक्स वगैरह की रेसिपी है उसमें भी ये यूज़ होते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रेसिपी को। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, और अब हम सबसे पहले इसमें मिल्क ऐड करेंगे, और उसके साथ ही हम शुगर ऐड कर देंगे इसमें, और फिर इसको बॉयल आने देंगे। मिक्सअप कर लें और आंच आप धीमी रखें। तो आप देख सकते हैं कि हमारी दूध और चीनी में सिमर आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको पकाएंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना मिल्क पाउडर ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब इसको लो फ्लेम पे ही हमें 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, और फिर हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। 2 मिनट के बाद मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था, और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है। अभी ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। और अब हम इसे किसी भी कंटेनर या फिर जार में महफूज कर सकते हैं, और आपको जब भी कोई मीठा बनाना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही 2 मिनट गुजरे तो मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था। आप देख सकते हैं कि हमारा मज़ेदार सा कंडेंस मिल्क इतनी जल्दी से रेडी हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।